हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब शॉर्ट पर। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। UGAVN में रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए असिस्टेंट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स जॉब है, ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है और दोस्तों परमानेंट जॉब रहेगी और सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, 1,77,500 रुपये। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सारी डिटेल बताऊँगा कैसे सिलेक्शन होगा और कितनी फॉर्म फीस वगैरह है, वीडियो को जरूर से ध्यान से देखिएगा आप। तो दोस्तों UGAVN लिमिटेड यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में रिक्रूटमेंट है आपकी, और आपकी जो है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट सिविल में जियोलॉजिस्ट ट्रेनी के लिए हो रही दोस्तों। तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, सबसे पहले आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो आइए बारी बारी से सारी चीज़ें देखिए, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। तो पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है, लेवल 10 की जॉब है, बिल्कुल फ्रेशर जॉब है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो UR में दो दो पोस्ट है दोनों के लिए, सारे कैटेगरी मिला के बात करें तो टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें OBC के लिए पोस्ट है जो उत्तराखंड स्टेट के लिए जो है SC ST OBC फॉलो होगा, बाकी जो है UR अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल की बात करें तो सिविल में 4 पोस्ट हैं और जियोलॉजिस्ट की बात करें ट्रेनी में तो 1 पोस्ट है दोस्तों। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल 21 पोस्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ बोला गया है जो EWS जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है घट बढ़ सकती है, तो मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिया जा रहा है, 42 साल तक आप भर सकते हैं फॉर्म को, अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे जनरल के लिए अच्छा रहेगा। 1/1/2021 के हिसाब से जो है आपकी एज क्वालिफिकेशन की गणना होगी, 5 साल की छूट मिलेगी ST OBC फिजिकली हैंडीकैप को जो कि उत्तराखंड स्टेट के लिए, बाकी अदर स्टेट के लिए आपको जो है जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, रिजर्वेशन आपको जो है हिसाब से दिया जाएगा। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं आपकी, पहला जो है ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो आपका बैचलर डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल के लिए और या उससे अलाइड ब्रांचेज है कॉम्बिनेशन आप, तो वो भी अप्लाई कर पाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक करके AMI किया है तो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका जो है डिप्लोमा वालों को भी मिल रहा है। और जो OBC EWS कैटेगरी उनको जो है 55% मार्क्स चाहिए, STS के लिए जो है पास होना बहुत ज़रूरी है, आप जो है सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन लेकिन आप जो है पास हैं बस कर सकते हैं, और आपका जो है हिंदी और इंग्लिश जो है बोलना आना चाहिए, हिंदी नॉलेज यहाँ पे कंपलसरी है। तो आप बिल्कुल जो है सिविल की बात करें तो सिविल में भी सेम है आपका, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री पास आउट होना चाहिए सिविल में या फिर AMICE सेक्शन AB एग्जामिनेशन जो है पास आउट होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया है, ST SC पास आउट होना चाहिए, OBC जनरल के लिए 55% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है जियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग की बात करें तो MSc जियोलॉजी या फिर MTech है अलाइड जियोलॉजी में 55% मार्क के साथ अप्लाई कर पाएंगे। कैसे सिलेक्शन होगा वो जान लेते हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए सबके लिए है, तो वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 200 नंबर का पेपर होगा आपका दोस्तों। तो पार्ट वन में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। और दोस्तों सेकेंड में जो है बात करें तो आपके ब्रांचेस से क्वेश्चन आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, तो 126 क्वेश्चन होंगे 126 नंबर के, और इसमें जो है 50% लाना जरूरी है दोनों सेक्शन में, तभी आप जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। सिविल में भी सेम पैटर्न है, सिविल में भी यहाँ पे सेम चीज़ें हैं और जियोलॉजिस्ट का भी जो है बिल्कुल सेम है, 1/4 के निगेटिव मार्किंग है और इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाएगा 1/3 रेशियो के हिसाब से, एक सीट पे 3 लोग को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो है घटा बढ़ा जा सकता है, ये सब चीज़ें बोली गई हैं। तो रिटर्न टेस्ट सेंटर की बात करें तो आल जो है आपकी उत्तराखंड में ही मिलेगा, देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर जो है वहाँ पे, वहाँ का ध्यान रखिएगा जो आपकी हरिद्वार में पड़ता है, और पंत नगर है और अल्मोड़ा में है, इतने रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अदर स्टेट और जनरल कैटेगरी के लिए आपके जो है 800 रुपये है, और OBC EWS के लिए भी है 400 रुपये, ST ST कैंडिडेट उत्तराखंड स्टेट के लिए है ध्यान रखिएगा, और ट्रांजेक्शन फ़ीस बिल भी एक्स्ट्रा जो वो थोड़ा बहुत हो सकता है ले लिया जाए, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं दे दूँगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट है TCSpantnagar.com पे, और आपको जो है कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है, गेट प्रिंटेड एप्लीकेशन सेम विच सेल बी सबमिटेड टू GBUPAT अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट एंड फी रिसीप्ट। आपको ध्यान से ये चीज़ आपको देना है कि जैसे फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और जब फीस पेमेंट करेंगे उसकी भी फीस रिसीप्ट, उसके साथ आपको 10th की मार्कशीट, अपनी BE BTEC की मार्कशीट, OBC सर्टिफिकेट अगर उत्तराखंड के हैं, बाकी जो है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के कोऑर्डिनेट टेस्ट सिलेक्शन लैम्बर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस GB पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर डिस्ट्रिक्ट
उद्यम सिंह नगर 263145 उत्तराखंड में आपको स्पीड पोस्ट करके भेज देना है। ध्यान रखिएगा स्पीड पोस्ट, और एक अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा आज के दिन से, और 30/4/2021 तक रहेगा। और नो हैंड राइटिंग में भी इंटरटेनमेंट, ध्यान रखिएगा कुछ भी इधर उधर मत करिए आप। कैंडिडेट विल बी अलाउड अपीयर टू रिटेन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होगा, एडमिट कार्ड आपको जो है दे दिया जाएगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जो है अपना सारा कॉपी फोटोग्राफ वगैरह सब रख लीजिएगा, और कुछ भी अगर जैसे फॉल्ट होती है तो कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो है देहरादून का ही होगा दोस्तों, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट UJBNL.com है आपका, आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको जो है सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा तभी जो है। और दोस्तों प्लीज़ ध्यान से फॉर्म भरिएगा, 10th की मार्कशीट वगैरह के हिसाब से ही अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और एक्टिव रखिएगा। और दोस्तों फीस पेड करने के बाद अगर थोड़ा बहुत जो है समय भी लग सकता है, इसमें बोला गया है कि आपको जो है अपडेट होने में, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा फीस के लिए दोस्तों। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, अगर कमेंट मेंशन नहीं मिल पाता तो सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो है सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा। 1/4 से स्टार्ट हो जाएगा, 30 जो है अप्रैल तक आपको रहेगा, और लास्ट डेट जो है आपको जो फॉर्म भेजना है, लास्ट 10 डेज आफ्टर दैट लास्ट डेट, मतलब कि आप जो है 10 मई तक आप जो है इसको भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कॉपी, मतलब जो हार्ड कॉपी भेजना है उसके साथ आपको जो सेल्फ अटेस्ट कॉपी करके भेजना है। आप ध्यान रखिएगा उसको जो आप भेजना है, 10th की मार्कशीट रहेगी, 12th की मार्कशीट रहेगी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके साथ आपका जो है सर्टिफिकेट भी रहेगा दोस्तों। अगर आपने EWS बाकी जो है चीज़ें किसी भी स्टेट को आपको भेजना है, और आप फीस जो भेजे करेंगे सबमिट, उसका जो है प्रिंट आउट या रिसिप्ट जरूर से ले लीजिएगा, और उसको सब पे जो है सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा ध्यान से, ऊपर पता पीछे अपना नाम पता लिख के, और उस पर टिकट लगा के जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। कुछ भी डाउट होगा जो है भाई आपकी हेल्प के लिए है। बाकी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को यही समाप्त करते हो दोस्तों। जय हिंद, जय।